Welcome students to the second session on agricultural extension education. Here at CropCost, we help you to prepare for your various competitive examinations and your PG entrance examinations like MCER and ICER-JIF. So extension mein humne already a course start kar diya hai, that is Fundamentals of Rural Sociology and Educational Psychology, and isme humne jo first chapter hai Rural Sociology wo complete kiya tha. इसमें हमने देखा था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, देन व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी, उसका हमने डेफिनेशंस देखे थे. देन वी हैव सीन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, वी हैव आल्सो सीन द स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एक्सटेंशन एजुकेशन. नाउ इन टुडे सेशन वी विल सी अबाउट द इंडियन रूरल सोसाइटी. इंडियन रूरल सोसाइटी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रूरल सोसाइटी. अ सोसाइटी व्हिच लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ऐसी सोसाइटी जो विलेजेस में रहती है और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, ओके, इसे हम रूरल सोसाइटी बोलते हैं. नाउ व्हेन वी यूज द वर्ड दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मींस? इट मींस दैट मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी इज लैंड. लैंड के ऊपर सब जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है. सो लैंड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव रिसोर्स इन अ रूरल एरिया. Now, there are certain differences between rural society and urban society. तो ये differences क्यों आते हैं? These differences occur because of the environment in which people live. हम जो भी environment में रहते हैं उसका हमारे life पे as well as हमारे personality पे कुछ impact आता है. Okay? So, the rural people, they live in rural area, they live in rural environment. So, they have that, so the rural environment has some impact on their personality as well as on their life. So, there are certain differences between the rural as well as the urban society. Now, let us start with the characteristics of rural society. So, the first characteristic is general environment and orientation to nature. Now, the rural people are closely associated with nature because of their geographical location. So, ये जो rural area में जो लोग रहते हैं, they are closely associated with nature. They are very near to the nature because they live in rural environment. And they face various natural calamities over which they have no control. Calamities मतलब जो differences होते हैं in our atmosphere, वो बहुत ज़्यादा उन्हें face करना पड़ता है, like heat या फिर you have drought, then snow, frost. ये सब जो अलग-अलग natural calamities हैं, rural people have to face these calamities and they do not have any kind of control over these calamities. Now these calamities have direct effect on the lives of rural people. अब ये जो differences हैं in the atmosphere, इनका rural people के life पे कैसे direct effect होता है? Suppose अगर कभी drought हुआ हो तो उनके जो crop की productivity है वो अच्छी नहीं आएगी. If there is no good productivity, then they not get enough income. अगर income अच्छा नहीं होगा, then obviously it is going to affect their livelihood. Okay, so these calamities have direct effect on the lives of rural people. और अगर हम urban areas की बात करें तो वहाँ पे उनके लाइफ पे ये जो क्लाइमेट या फिर एटमॉस्फेयर चेंजेस होते रहते हैं उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपेशन. मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज फार्मिंग. रूरल एरियाज में जनरली फार्मिंग ही करते हैं. इट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया. नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स जैसे कि वी हैव कारपेंटर्स और फ्यू आर्टिसंस और ब्लैकस्मिथ, इनका ये जॉब्स भी होते हैं बट दे डू नॉट हैव मच इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन द रूरल एरिया.
और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज इफ वी कंसिडर अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड पीपल इन द डिपार्टमेंट्स दे हैव स्पेसिफिक रोल्स एंड दे हैव टू अकम्प्लिश दोज रोल्स। उनको सिर्फ उतना ही काम करना है। सपोज अगर कोई फैक्ट्री में यू हैव मैनेजर, यू हैव प्रोडक्शन सेक्टर, यू हैव मार्केटिंग सेक्टर, तो प्रोडक्शन सेक्टर वाले जो लोग हैं वो प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर है। जो मार्केटिंग के लोग हैं उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सिर्फ मार्केटिंग होता है। बट व्हेन वी से अबाउट अ फार्मर, ओके, जब हम फार्मर की बात करते हैं, दैट ए फार्मर शुड हैव वैरायटी ऑफ स्किल्स। ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द सॉइल, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, अबाउट द पेस्ट एंड डिजीज आइडेंटिफिकेशन, अबाउट द कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। उनको मशीनरीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट उन्हें कहाँ बेचना है, कब बेचना है। ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। सो ऐसे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो बहुत वाइड है, ओके, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द फार्मिंग। उनका सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन एरिया नहीं है, दे हैव अ वाइड एरिया फॉर स्पेशलाइजेशन एज कम्पेयर टू द अर्बन वर्कर्स। Next is the density of population and size of community. Now the density of population, rural area में population बहुत कम होता है as compared to the urban area. Urban area में बहुत ज़्यादा population होती है. And the size of community in rural area is also small. Okay? अभी इसमें आपको ध्यान में रखना है that man to land ratio is lower in rural areas. When we talk about ratio, हम ratio को generally division के form में represent करते हैं, right? So जब रूरल एरिया में पॉपुलेशन कम होती है एंड लैंड ज्यादा होती है, मतलब जो पॉपुलेशन यानी कि जो मैन है, इट वी कैन कीप इट एज न्यूमरेटर एंड लैंड एज डिनोमिनेटर, ओके। तो मैन पॉपुलेशन कम होती है तो हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा और लैंड ज्यादा होती है तो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। सो ऑब्वियसली व्हेन यू डिवाइड अ स्मॉल नंबर स्मॉल नंबर विद अ लार्ज नंबर, तो हमारा जो रेशियो है वो लो ही आएगा। आपको यही लॉजिक यूज करनी है एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज रेशियोज। मैन टू लैंड रेशियो इन रूरल एरिया इज लो, मैन टू लैंड रेशियो इन अर्बन एरिया इज हाई, क्योंकि वहां पे जो मैन का पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और लैंड कंपैरेटिवली लो होती है। तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रेशियो है वो ज्यादा आएगा। देन लैंड टू मैन रेशियो इन रूरल एरियाज इज हायर एंड लैंड टू मैन रेशियो इन अर्बन एरियाज इज लोअर। Next is the homogeneity and heterogeneity. Homo means same and hetero means different. ये हम सबको मालूम है, okay? So rural people are more homogeneous in nature. उनका जो living style होता है, the experience which they face, the occupation which they carry out, then their pattern of behavior, their culture, their value system, everything is almost same. सब कुछ homogeneous होता है nature में. Moreover, the community is very small, okay? इसलिए सारे जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी कास्ट, रिलीजन, जनरली सब कुछ सेम होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट रूरल पीपल आर होमोजेनियस इन नेचर, व्हेरएज अर्बन पॉपुलेशन इट इज हेटरोजेनियस इन नेचर, बिकॉज वहाँ पे वैरायटी ऑफ कल्चर के लोग होते हैं, देन पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, दे कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशंस, देयर पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज डिफरेंट, इंक्लूडिंग उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग होती है, रिलीजन अलग है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इतने सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं इन द अर्बन एरिया। सो रिमेंबर दैट पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर होमोजीनियस इन नेचर एंड द अर्बन पॉपुलेशन इज हेटरोजीनियस इन नेचर। नाउ नेक्स्ट इज द सोशल डिफरेंसिएशन। अभी ये जो सोशल डिफरेंसिएशन है, ये कोई भी सोसाइटी में क्यों आती है, ये आती है बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दैट द सोसाइटी प्रोवाइड। अभी जो अर्बन सर्विसेज है वहाँ पे हमें एजुकेशनल सर्विसेज मिलती है, रिक्रिएशनल, देन वी ऑल्सो हैव सम रिलीजियस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड होती है लोगों को, रेजिडेंशियल सर्विसेज होती है, एंड ऑल दिस सर्विसेज हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज का जो पर्पस है वो है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो ऐसे हर एक जो सर्विस होती है उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है। और
इसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, दैट इज व्हाई। और सर्विसेज इतनी ज्यादा है इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत ज्यादा है। एजुकेशनल सेक्टर में कुछ लोग काम करते होंगे, कुछ लोग रिक्रिएशनल सेक्टर में काम करते हैं, कुछ रिलीजियस में काम करते हैं, कोई लोग बिजनेस सेक्टर्स में काम करते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन द अर्बन एरिया। सो the social differentiation, the degree of social differentiation is more in urban area. Whereas what happens in rural society तो हमने देखा है that it is homogeneous. यहाँ पे इतने ज़्यादा services available नहीं होती है. Okay, the only occupation that people carry out is farming. So it has low degree of social differentiation. ये आपको ऐसे ही याद रखना है about social differentiation that it usually सोशल डिफरेंशिएशन जब आप वर्ड सुनोगे तो आपको याद आना चाहिए दैट दी दैट दिस इस पॉइंट में आपको अर्बन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट वन इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या, दैट द क्लास इज डिवाइडेड इनटू हाई क्लास, लो क्लास एंड मिडिल क्लास आल्सो. नाउ द गैप बिटवीन हाई एंड लो क्लास इज मोर इन अर्बन एरिया. जो गैप होता है बिटवीन हाई क्लास एंड लो क्लास वो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा होता है. जो रिच है वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं और जो पुअर है वो स्लम एरियाज में भी रहते हैं. सो द गैप बिटवीन हाई एंड लो क्लास इज मोर इन अर्बन एरिया. लेकिन जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, जब हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, जब तब उसमें हाई क्लास और लो क्लास लोगों में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है. एंड मैक्सिमम पीपल जो भी रूरल सोसाइटी है इट बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास. रूरल सोसाइटी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. Now next is the social mobility. Now social mobility refers to the movement from one social group to another. Mobility मतलब movement. Okay, so social mobility मतलब क्या? It is the movement from one social group to another. तो ये जो movement होती है वो occupational type की होती है, territorial mobility होती है and there is also इकोनॉमिक मोबिलिटी. सो जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है वो तो ज्यादा नहीं होती है इन रूरल एरियाज. ओके, लोग उनका ऑक्यूपेशन इमीडिएटली चेंज नहीं करते हैं, बट इन अर्बन एरिया जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है. जो टेरिटोरियल मोबिलिटी है इसका मीनिंग होता है दैट मोबिलिटी फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया और फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया. विद इन द रूरल एरिया भी मोबिलिटी होती है एंड विद इन अर्बन एरिया भी मोबिलिटी होती है. नाउ सोशल मोबिलिटी इज मोर फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. हमने ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का देखा था कि वो बहुत ज्यादा नहीं होती है इन रूरल एरियाज. ओके, लोग जनरली फार्मिंग ही करते हैं, दे डू नॉट इमीडिएटली चेंज द ऑक्यूपेशन. बट जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आती है तब बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो यूथ है स्पेशली, वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करता है. ओके, सो देयर इज मोर सोशल मोबिलिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया. नाउ लेट अस सी अबाउट द सोशल इंटरेक्शन. द रूरल पॉपुलेशन इज स्मॉलर एंड लेस डेंस देन अर्बन पॉपुलेशन. जो रूरल पॉपुलेशन होता है वो बहुत छोटा होता है एंड दे हैव वो लोगों का भी जो कॉन्टैक्ट होता है इट इज वेरी पर्सनल. ओके, और कम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट होता है. मोर ओवर उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मास मीडिया से भी उतनी नहीं मिलती जितनी उन्हें पर्सनल कॉन्टैक्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, एंड द कॉन्टैक्ट्स आर यूजुअली फेस टू फेस, दे आर इनफॉर्मल एंड दे आर पर्सनल. वेरस जब हम अर्बन एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत फॉर्मल होता है एंड इट इज इम्पर्सनल इन नेचर. नाउ अबाउट द लीडरशिप पैटर्न. द लीडरशिप इन रूरल एरियाज इज बेस्ड ऑन पर्सनल ट्रेट्स ऑफ द लीडर. ट्रेट्स मतलब क्या, ट्रेट्स मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जो लीडरशिप होती है रूरल एरिया में वो यूजुअली पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है किसी इंडिविजुअल के. लोगों का एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दे हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, दे हैव पर्सनल कनेक्शंस, सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट हु कैन बी अ बेटर लीडर फॉर देयर रूरल एरिया. ओके, तो किसी के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे ही आपको रूरल एरिया में लीडर देखने को मिलेंगे. मोर ओवर लीडरशिप इन अर्बन एरिया इज मोर इम्पर्सनल. जो लीडरशिप पैटर्न है अर्बन एरिया में वो इम्पर्सनल होता है.
ओके एंड यूजुअली एक सिलेक्शन प्रोसीजर होती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्शन प्रोसीजर अ लीडर इज सिलेक्टेड फॉर अर्बन एरिया. Next is the social control. Okay, now so what is social control? It is the informal social pressure. Okay, एक social pressure होता है, okay, from the society जिसकी वजह से लोग misbehavior नहीं करते हैं. Okay, तो जब हम rural area की बात करते हैं तो इसमें informal social pressure होता है. ओके मतलब लोग एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल कांटेक्ट में होते हैं, देयर आर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मोर ओवर उनके जो पर्सनल कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा होते हैं, द कम्युनिटी साइज इज वेरी स्मॉल, इसलिए एक अपने आप एक इनफॉर्मल जो सोशल प्रेशर है वो रूरल सोसाइटी में बना हुआ रहता है ड्यू टू विच पीपल डू नॉट डेयर टू मिसबिहेव. लेकिन अर्बन एरियाज में कैसा होता है कि इतने ज्यादा जो भी रिलेशनशिप है वो फॉर्मल होती है, लोग ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं होते हैं इतना, तो इसलिए जो अर्बन एरियाज है वहां पे लॉस होते हैं और प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं. एंड इफ यू मिसबिहेव और इफ यू वॉयलेट दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस देन यू विल हैव टू पे सम काइंड ऑफ पेनल्टी फॉर इट. Next is the social solidarity. What does it mean by solidarity? Solidarity is a bond of unity. Please remember, solidarity matlab bond of unity. You, in rural areas, informal relationship is observed. Okay, वहाँ पे informal relationship होती है, people are in close contact with each other, इसलिए वहाँ पे जो unity है वो भी ज़्यादा होती है. Also, people carry out same kind of occupation, उनका understanding, they face same kind of experiences, they have common objectives, that is why the unity in rural areas is more. And in urban areas, वहाँ पे जो occupation वगैरह है वो सब कुछ अलग अलग होता है. There are certain differences in urban areas, okay? And the it is more impersonal and it is strictly formal. But unity वहाँ पर भी होती है. But in case of rural areas, unity ज़्यादा होती है. Okay, that is solidarity is more in case of rural areas. Now, when we talk about the standard of living, the standard of people living in rural areas is comparatively low than the people living in urban areas. Now, when we say about the standard of living, hum unke kapdon ke wagaira baat nahi kar rahe hain. We are talking about the educational or economical standard. Jo education urban area mein milta hai, wo rural area mein nahi milta. Jo economic condition hoti hai urban area mein, लोगों की वो अच्छी होती है as compared to the rural areas. So the standard of people living in rural areas is comparatively low than the people living in urban areas. Now let us see what are the differences and relationship between rural urban societies. So हमने जो characteristics में point देखे हैं उनके ही basis पे differences and relationship है between rural society and urban society. So the first parameter is occupation. We have already seen that people are engaged in agriculture in rural society, and in urban society people are engaged in non-agricultural activities. यहाँ पे agricultural activities ज़्यादा नहीं करते हैं in urban area. Now next parameter is environment. Rural society mein people have direct relationship with the nature, and in urban society people are isolated from nature. In rural society the weather and season is very important for farmers. Okay, jo bhi rural area mein log rehte hain unke liye weather and season parameters are very important, but in urban society it is not so important. The size of community in rural area is small and the population is also low, but in urban society the size of community ranges from medium to large and the density of population is more. Wahan pe population ज्यादा होती है. Now about the homogeneity and heterogeneity of population. Rural society is more homogeneous. Okay, उनके जो point, उनका जो interest होता है, उनका occupation होता है, वो almost same ही होता है. That is why it is more homogeneous. And urban society is heterogeneous community. Next is the skills. रूरल सोसाइटी में जो फार्मर्स है, जो रूरल पीपल है, उनमें वाइड रेंज ऑफ स्किल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड इन अर्बन सोसाइटी यू कैरी आउट अ स्पेसिफिक जॉब. ओके, इसलिए उनको अगर उनको कोई एक ही स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत होती है. द नेक्स्ट इज द कल्चर.
इन रूरल सोसाइटी में जो कल्चर का है, तो पीपल आर दे आर क्वाइट कंजर्वेटिव और वो ट्रेडिशन को पकड़ के चलते हैं, बट इन अर्बन सोसाइटी दे आर फ्री फ्रॉम कंजर्वेशन एंड ट्रेडिशन. नाउ अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पे एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है. मोर ओवर दिस स्ट्रेटिफिकेशन डज नॉट चेंज. जो हाई क्लास मिडिल क्लास है उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. मोर ओवर रूरल पीपल आर यूजली मिडिल क्लास. और जो हमारी अर्बन सोसाइटी है वहाँ पे सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्ट्रेटा, मतलब वेरियस लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड अदर फैक्टर्स. और जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो चेंज हो सकता है. दैट इज जो मिडिल क्लास लोग है वो हाई क्लास बन सकते हैं, जो पुअर क्लास है वो मिडिल क्लास बन सकते हैं. दीज थिंग्स कैन हैपन इन द अर्बन सोसाइटी एंड द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो क्लास इज मोर. Now, social mobility. In rural areas, there is lack of social mobility. People जल्दी उनका occupation या फिर religious, political views जो होते हैं वो जल्दी change नहीं करते हैं. Okay? But in urban society, there is lot of social mobility. But when we talk about the employment, तो उस बात के लिए in rural society, there is social mobility. People move from rural area to urban area in search of employment. नेक्स्ट पैरामीटर इज द सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन रूरल सोसाइटी में कैसा होता है, कम लोगों के साथ होता है एंड इट इज वेरी पर्सनल. वेयर एज इन अर्बन सोसाइटी द सोशल इंटरेक्शन दैट इज योर वे ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जनरली इम्पर्सनल होता है. Now, in case of social differentiation, in rural society, there is less differentiation because people carry out usually same occupation. Farming ही carry out करते हैं, कुछ ज़्यादा services नहीं होती है, so there is less differentiation. And in urban society, we can see more differentiation because there are many services available and hence the division of labor takes place. नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशल कंट्रोल. जो सोशल कंट्रोल है रूरल सोसाइटी में वो इनफॉर्मली होता है, ऑटोमेटिकली एंड बाय द पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए एक सोशल प्रेशर बना हुआ रहता है अमंग द रूरल पीपल एंड ड्यू टू विच दे डू नॉट मिसबिहेव. और अर्बन सोसाइटी में क्या होता है, एक फॉर्मल और कुछ इम्पर्सनल मीन्स ऑफ लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच आर इम्पोज ऑन द अर्बन सोसाइटी सो दैट पीपल डू नॉट मिसबिहेव. Now next is the social change. Rural society में जो social change होता है, it takes place at slow rate. And in urban society, the social change is fast because there is competition. Competition urban society में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो changes है, वो भी ज़्यादा और वो भी ज़्यादा faster rate पे होते हैं. Next is the leadership pattern. It is based on the personal traits or personal characteristics of the rural people. ओके, एंड इन अर्बन सोसाइटी यहाँ पे हमें इम्पर्सनल लीडर्स देखने को मिलते हैं. मोर ओवर देयर इज अ स्पेसिफिक, यू कैन से देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर बाय विच अ लीडर इज इलेक्टेड. Then next is the social solidarity. Solidarity is the bond of unity. The bond of unity is strong and it is more informal and non-personal in case of rural society. Whereas in urban society, the solidarity is more impersonal and it is strictly formal. Okay. So this is all for today's session. I hope that you have enjoyed this session. And in next class, we will probably see the next topic, that is Maharaja next topic hai, that is social groups. So in our next class we will see this topic, and thank you so much.